तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज आपसे एक सवाल पूछने वाला हूं। जो लोग गैस को लेकर पूरा तबाही मचा रहे हैं, जो गैस को लेकर राजनीति कर रहे हैं, हम उनसे एक बात पूछना चाहते हैं। उनको एक आंकड़ा के जरिए उनको बताने वाले हैं कि गैस का महंगाई अभी है या पहले था। गैस सरकार अभी गैस के नाम पर पैसा अभी लूट रही है या पहले की सरकार लूट रही थी। दोस्तों, अगर हम 2023 का बात करें तो अभी जो गैस का रेट चल रहा है, करीब आपको भी पता है कि 1100-1150-1200 तक के बीच में ही है। हर स्टेट का अपना अपना रेट होता है, तो पूरा कोई कन्फर्म नहीं है। बट आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर 2011-12 का आंकड़ा देखेंगे तो आपको पता चलेगा गैस का रेट क्या था। आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, अभी 2011-12 का आंकड़ा आप देखेंगे तो आपको 1100-1200-1300 तक का रेट दिखेगा, और ये है गैस का रेट। अब ये गैस का रेट उस वक्त का है जिस वक्त हमारी सरकार, जिस वक्त हमारे जो गाँव के लोग हैं, गरीब लोग, उनको गैस यूज नहीं करते थे, फिर भी सरकार आपको 1100-1200 में रेट देती थी। और आज के समय में जब मोदी सरकार सबको घर घर गैस देने के बाद भी पूरे 6 साल 7 साल तक आने के सत्ता में आने के बाद वो गैस का रेट 550 कर देती है, और 550 से लेकर 1900 तक 2019-20 तक गैस बांटती है। यूक्रेन का युद्ध शुरू होने के बाद गैस का महंगाई बढ़ता है और 1100-1200 तक हो जाता है। तो जो दोस्तों जो एक साल में इतनी सारी अफवाह उड़ा रहे हैं कि गैस महंगाई बढ़ गया, गैस का महंगाई बढ़ गया, उनसे पूछना चाहते हैं कि 2011-12 में क्या था, आपने उस वक्त क्या करे थे? जब गैस यूज करने वाले लोग कम थे, उस वक्त आप 1100-1100 में दे रहे थे। बताइए, अगर आज के समय में अगर ये सरकार होती तो गैस का रेट अगर आज से 10 साल पहले ये रेट था 1100-1200, तो अभी के हिसाब से इसका रेट तो 2000 पार हो जाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, मुझे बताइएगा आप गैस को लेकर राजनीति किसने किया, ये अभी जो चल रही है वो सरकार ने राजनीति किया या फिर पिछले सरकार कांग्रेस ने की थी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और प्लीज़ अगर तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए सब कुछ है, हमारे जुनून है, हमारी ताकत है। तो मुझे सपोर्ट कीजिए प्लीज़, क्योंकि इस तरह का वीडियोज़ हम लाते रहते हैं और लाते ही रहेंगे। जो लोग अफवाह उड़ाएंगे उनको छोड़ेंगे नहीं, उनको हमेशा रेलेंगे। तो आकर आप भी रेलना चाहते हैं, आप भी रेलाई का वीडियो देखना चाहते हैं, तो मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं नए वीडियोज़ के साथ।